आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी रात का समय है, मतलब शाम अंधेरा हो गया है और बहुत सारी बारिश भी हो रही है। तो अभी मैंगो रखे हुए थे फ्रिज में और दूध भी बचा हुआ था, तो मन हुआ कि मैंगो शेक बना लूँ। और ठंडे ठंडे पीने में बहुत ही अच्छी लगती है, स्वाद भी इसका बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसलिए हम पीने का मन था तो जल्दी से बना के फिर इसको सर्व किए। और ये सुबह का टाइम है तो बारिश रात में बहुत ज़्यादा हुई थी शाम से, और ये दूध लेने के लिए आई हैं आंटी। और ये जो है बाबू, ये कुर्सी पे बैठे बहुत ही हंस रहे रहा है, देख देख के सभी को बहुत हंस रहा है, बहुत ही शैतानी भी कर रहा है। तो मैं नहा धो के, अभी 9 बज चुके थे, नहा धो के तैयार हो रही थी। और रोटी अभी नहीं बेली थी मैं, सिर्फ सब्जी बनाई थी और थोड़ा बहुत काम करके नहा ली थी, क्योंकि मिस्त्री लोग आने वाले थे। तो मैं चापाकल पे नहाती हूँ नई घर में, क्योंकि इधर तो बहुत ही कीचड़ भी है, तो ये चापाकल पे नहीं आती मैं जल्दी, बारिश में भी उसी से पानी लेती हूँ। तो अभी मैं तैयार होके उसके बाद रोटी है बेल लूँगी, क्योंकि भूख लगी हुई थी, सिमरन को तो खा लेगी। उसके बाद मैं पूजा करूँगी और मुझे नहाना जरूरी था, तो नहा ली। वैसे बहुत लेट भी हो जाती काम करने के बाद, और बर्तन जो भी बचते तो बाद में मैं धो लूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगी। आजकल बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और मेरे बाल भी जो हैं, अभी मैं धोई नहीं हूँ, थोड़ा गंदा महसूस भी हो रही है, तो मैं धो लूँगी कल। और आज तो बृहस्पतिवार है तो कल धो लूँगी। और बहुत से ऐसे सामान हैं जो सूखे भी नहीं हैं, बहुत ही मतलब वो ख़राब होने पर हैं, तो उसको मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ धूप का। लेकिन बारिश तो लगता है अभी छूटेगी नहीं, हुई होगी आगे तक। तो मैं अभी सिंदूर लगा ली हूँ, और जो सिंपल सी मेकअप होती है ये सारे मैं जो रोज़ करती हूँ वो कर ली हूँ, अभी पिन नहीं लगाई हूँ, बाद में लगाऊंगी। अभी बहुत सारे काम थे और पूजा भी थी आगे, तो इसलिए। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी 11:30 बज चुके हैं और आज सुबह से बहुत ही हवा है, बारिश तो अभी नहीं हुई है। 11:30 बजे का टाइम है अभी, और मैं अभी आपसे सारे मतलब काम काज कर रही हूँ और आपसे कुछ बातें करने के लिए आराम से बैठी हूँ। तो मैं आज आपको कुछ बातें बतलाऊंगी कि मैंने वीडियो बनाना कैसे स्टार्ट की हूँ। तो मुझे शुरू से ही ऐसा होता था कि आदमी को कुछ ना कुछ जरूरत के लिए करनी चाहिए, लेकिन मैं तो उतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, और जो मुझे कोई काम होता तो ये जो ब्लॉग है, मैं बहुत सारे ब्लॉगर का देखती थी, बहुत ज़्यादा देखती थी। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी करूं, लेकिन मेरे घर मेरे बच्चे लोग मेरे साथ नहीं दे रहे थे, या मैं कुछ शुरू नहीं की थी तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था। तो मेरी एक छोटी बहन है, उसने बोली थी कि तुम भी ब्लॉग बना सकती हो, मेरे भी एक दोस्त बना रही है। तो मेरे बच्चे लोग भी बोले कि बनाओ, मेरा साथ दिए और मैं फिर बनाने लगी थी। तो बहुत मुश्किल में मैंने बनाना स्टार्ट की थी। मेरे पास एक ही मोबाइल भी थी और बिना जानकारी के ही, मैं मतलब किसी को जानकारी नहीं थी, तो घर में मैं चुपके से बनाती थी। और बहुत दिनों से ही मैं बना रही हूँ, तो मेरे उतने व्यूज भी नहीं आते थे और ना सब्सक्राइबर ही थे। तो मुझे लगा था कि मैं देखती थी बहुत सारे ब्लॉगर जो नए पुराने छोटे बड़े थे, उनका बहुत अच्छा था, मतलब कुछ ही दिनों में जो है उनका 9-10 महीने में पूरी हो जाती थी। लेकिन मेरे जो मैं बहुत दिन से बना रही हूँ, 9 महीने हो गए होंगे, लेकिन अभी तक बहुत ही बहुत ज़्यादा कम ही हैं जो मेरे व्यूवर और जो सब्सक्राइबर हैं। तो फिर भी मैंने नहीं छोड़ी, बीच में मैं कम कर दिए थे क्योंकि मेरे कुछ अपने जो थे सो प्रॉब्लम थी, कुछ मेरा जो था मन बहुत ही थोड़ा मतलब सारी तरफ से थोड़ा मायूस था, तो मैं इसलिए नहीं कर पाई थी। फिर सोची कि बैठने से क्या फ़ायदा, और जब कोई चीज़ करते हैं तो उसको छोड़ने में अच्छा नहीं लगता है,
तो करके देखते हैं। और जो शुरू से मेरी थी कि जरूरत के लिए करनी चाहिए, वो अभी बहुत ज़्यादा ही मुझे कमी महसूस हो रही थी। बहुत सारे ऐसे अरमान थे कि मेरे मन में ही थे और अभी भी हैं, तो मैं इसलिए कोशिश करने राखी जी हैं जो करेंस फैमिली के चैनल का नाम है, उन्होंने वो मेरी छोटी बहन की जैसी हैं और वो मुझे बहुत ही सपोर्ट देती हैं, बहुत ही मेरी मदद करती है, हेल्प करती हैं। तो आजकल तो कोई किसी का इतना हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन एक दो ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही मेरा जो है हेल्प करती हैं, मेरी हिम्मत को बढ़ाती हैं और साथ देती हैं इस ज़माने में, जबकि खास मेरे साथ इतना विश्वास का कोई भी मुझे नहीं आज तक मिला है, जो अपना भी उतना नहीं मिला है जितना वो सब मेरे लिए सोचती हैं। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद मानती हूँ और उनको मैं सदा भगवान से बोलती हूँ उनका जो है सो खुशियों से उनकी ज़िंदगी भरी रहे और सदा वो खुश रहें। तो मैं ये जो ब्लॉग है इसको मैं जारी रखूँगी, अगर होनी होगी तो आप सबकी दुआ से पूरी हो जाएगी। तो मैं साधारण से ही ब्लॉग बनाती हूँ, कोई विशेष तो मेरी ब्लॉग में है नहीं, लेकिन आप सबको अगर पसंद आती है तो आप सब ज़रूर उनको उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। वैसे मुझे इतना नॉलेज नहीं छोटी बनाऊँ बड़ी बनाऊँ कैसे बनाऊँ, लेकिन मैं अब छोटा सा ही वीडियो बनाती हूँ। तो मैं जो वीडियो डालती हूँ उसमें मुझे बहुत ही समय लगती है, उसमें मेहनत लगती है और अगर व्यूज नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप सब मेरी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू है और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। तो मैं अगले वीडियो में आप सबसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।